नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य पंकज सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नस्य के बारे में। तो किस प्रकार से हम नस्य की प्रक्रिया को घर पे आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, आयुष मंत्रालय के द्वारा भी गाइडलाइंस आई थी, जिसमें प्रतिदिन हमें 2 बूंद तेल का या फिर घृत का नाकों में डालने के लिए, दोनों नाकों के छिद्रों में डालने के लिए बोला गया था। तो नस्य होता क्या है? औषधि युक्त तेल का या फिर घृत का जब हम नासा छिद्रों में 2 बूंद या फिर 5-5 बूंद, 3-3 बूंद इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, वह नस्य प्रक्रिया कहलाती है। नस्य 2 प्रकार के होते हैं मेनली, मर्स नस्य और प्रतिमर्स नस्य। जो मर्स नस्य होते हैं उसमें हम ज़्यादा मात्रा में तेल की बूंदें नाकों में डालते हैं, जिसे एक अच्छे वैद्य के अंडर ही किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रतिमर्स नस्य की, जिसे हम डेली अपने घर पे ही कर सकते हैं और ये बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। प्रतिमर्स नस्य में हम मात्र 2-2 बूंदें तेल की नाकों के छिद्रों में डालते हैं। चलिए अब देखते हैं किस तरह से हम आसान तरीके से प्रतिमर्स के नस्य के प्रक्रिया को कैसे संपन्न कर सकते हैं और इनमें यूज होने वाली आवश्यक सामग्रियों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो व्यक्ति हैं जिन पे हम नस्य प्रक्रिया को करने वाले हैं, कुछ इस प्रकार के आसन पे ऐसे लिटा लें। लिटाने के बाद एक तकिया जो कि इस प्रकार से रखा हुआ होना चाहिए और जो सिर का पोजीशन हो वो थोड़ा सा डाउनवर्ड होना चाहिए, इस प्रकार से झुका हुआ, जिसे हम नस्य के ड्रॉपों को आसानी से डाल सकें इन पे। अब आइए देखते हैं हम आवश्यक सामग्रियों के बारे में, किन किन आवश्यक सामग्रियों के माध्यम से हम इस प्रक्रिया को संपन्न कर सकते हैं। तो आवश्यक सामग्री में हम तेल का प्रयोग कर सकते हैं, सरसों के तेल का, घृत का यूज कर सकते हैं, नारियल के तेल का, तिल के तेल का और अनुतेल। इन सब के माध्यम से हम नस्य की प्रक्रिया को संपन्न कर सकते हैं। अब इस प्रक्रिया को करना कैसे है, हमें नस्य देने से पहले हम उसके पूर्व कर्म में अभ्यंग और स्वेदन करना है, जो कि इस फेसियल रीजन पे हल्के हाथों से अभ्यंग करना है। तो चलिए देखते हैं हम अभ्यंग कैसे करते हैं। तो अभ्यंग करने से पहले इस पात्र में हमने गर्म पानी कर लिया था और इस छोटे से पात्र में हमने तिल का तेल ले लिया, जो कि अभ्यंग के लिए हम यूज करेंगे। तिल का तेल ना ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा ठंडा हो, और इस शीतोष्ण तेल का प्रयोग हम अभ्यंग के लिए करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हाथों से हमें तिल का तेल लेना है और कुछ इस प्रकार से हल्के हाथों से ऐसे ऐसे करके हमें अभ्यंग की प्रोसेस को संपन्न करना। वैसे तो इसके 7 स्टेप होते हैं इस मसाज के, लेकिन हम घर पे जो कि नित्य रूप से कर सकते हैं तो इतना हो नहीं पाएगा सबसे, इसलिए हम एक आसान तरीके से हल्के, ज्यादा तेल का यूज भी नहीं करना है, हल्के हाथों से कुछ इस प्रकार से मालिश करना है, कुछ ऐसे मालिश करने के बाद तो जैसा कि आपने देखा, हमने सर्वप्रथम पेशेंट को या फिर व्यक्ति को अभ्यंग किया फेस पे। स्वेदन करने से पहले हमें कानों पे कॉटन लगा देना है और कुछ इस प्रकार से हमें स्टीम देना है। स्टीम से जो फेस में त्रिदोष जो अव्यवस्थित रूप से होते हैं वो उभर के आते हैं और जो एकदम से हल्के हो जाते हैं, कुछ इस प्रकार से हमें 1 से 2 मिनट का ऐसे स्टीम देना है, जो कि बहुत आसान तरीका है। अगर आपके पास ऐसे स्टीम देने की व्यवस्था नहीं है तो आप घर में एक तपेली पे एक बड़े से पात्र में गर्म पानी करके आपको करना क्या है कि एक टॉवल लेके कुछ इस प्रकार से उसमें भाप लेना है, तो उससे भी आपको स्टीम हो जाएगा। तो आपने देखा, जैसे स्टीम देने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से ड्रॉपर का यूज करना है। अगर आपके पास ड्रॉपर नहीं है तो नस्य देने के लिए हमें रुई के एक पिचू टाइप का बनाना है, जिसमें हम जो तेल है, जिस तेल के माध्यम से दे रहे हैं उसमें दो बूंद इसमें गिरा सकते हैं। पर हमारे पास सुविधा अनुसार ड्रॉपर है तो हम नस्य को कुछ इस प्रकार से देंगे। दोनों इसको जो नाक के छिद्र हैं इसको थोड़ा सा उठाकर, अगर हम इस नाक में दे रहे हैं तो इस नाक को बंद करके 2 बूंद इसमें डालना है ये, और फिर इस नाक को बंद करके 2 बूंद इसमें डालना है और धीरे से पेशेंट को खींचने के लिए बोलेंगे। तो आपने देखा कि हमने नस्य की प्रक्रिया को इस प्रकार से समाप्त किया। उसके बाद हमें कुछ इस प्रकार से हल्के हाथों से मसाज करना है, जिससे जो बूंद बूंद हमने तेल डाला है वो हमारे सिर प्रदेश की ओर जाए। जैसा कि आप सबको पता है, आयुर्वेद में नासा को ही सिर का द्वार माना गया है, तो इससे
सिर में या फिर इस एरिया पे उत्पन्न होने वाले जितने भी रोग हैं उन सबका नाश करता है। तो जिस प्रकार आपने देखा, हमने सबसे पहले अभ्यंग किया, फिर स्वेदन किया, और उसके बाद नस देने के बाद हम एक बार फिर से स्वेदन की प्रक्रिया करते हैं, और स्वेदन की प्रक्रिया इस प्रकार संपन्न होती है। तो जैसा कि आपने देखा कि हम हमने नस की प्रक्रिया से पहले अभ्यंग किया, फिर स्वेदन किया, और हमने दो दो ड्रॉप दोनों नाकों में डाला, और उसके बाद हमने फिर से स्टीम दिया अर्थात स्वेदन किया। ये एक प्रॉपर तरीका है नस देने का। उसके बाद हम पेशेंट को 1 से 2 मिनट तक रेस्ट करने को बोलेंगे, अर्थात हम 100 तक गिनती करेंगे, तब तक पेशेंट रेस्ट करेगा। और उसके बाद हमें पेशेंट के इस पोजीशन पे ऐसे रब करना है जो कि कंधे कहलाते हैं, पेशेंट के हाथों पे ऐसे ऐसे करके रब करना है, और पैर के तलवों पे हमें इसी प्रकार से घर्षण कर रब करना है। अगर ये चीज़ें पॉसिबल हो पाए तो बहुत अच्छी बात है। हमें एक विधिवत रूप से अगर हम इस नस की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं तो हमें बहुत से लाभ मिलेंगे। अब देखते हैं, आइए हम देखते हैं कि नस से लाभ क्या क्या होते हैं। तो नस से होने वाले लाभों के बारे में हम आप बताएंगे। तो नस, जैसा कि आपने देखा, जो प्रक्रिया हमने बहुत आसान तरीके से की है, इसमें कोई बहुत बड़ा कठिन काम है नहीं। तो अब लाभ देखते हैं इसके। तो इसके होने वाले लाभ क्या है, ये जो क्लेविकल बोन है, ऊर्ध्वजत्रुगत जितनी भी व्याधियां, अर्थात आपके कंठ में जो व्याधियां हैं, आपके मुख में जो व्याधियां है, आपके नासा छिद्र से होती है जो व्याधियां है, आपके आँखों से रिलेटेड जो व्याधियां है, कर्ण से रिलेटेड जो व्याधियां हैं, आपके मस्तिष्क में अगर गांठें पड़ रही हैं फिर उससे रिलेटेड जो भी व्याधियां हैं, स्ट्रेस है, और आपके खालित पालित का मतलब है बालों का पकना या फिर बालों का झड़ना, इन सब चीज़ों में नस से बहुत अत्यधिक लाभ होता है। और इस कोविड महामारी में हमें नस का प्रयोग करने से जो नाकों में कंजेक्शन, अर्थात नाकों में कफ की अधिकता होने से बार बार सांस लेने में थोड़ी दिक्कतें होती हैं, प्रॉपर तरीके से हमें इनहेल करने में दिक्कत होती है, तो इन सब तरीके से हमें बहुत ही अच्छा लाभ मिल सकता है। तो जैसा कि मुझे उम्मीद है मैं आप सबको कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को समझ पहुँचाएँ कि किस आसान तरीके से हम इस नस की प्रक्रिया को कर सकते हैं। और आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि इस कोविड महामारी के दौर में इस प्रक्रिया को जरूर अपनाएं, स्टीम लें, नस लें, जिससे हमें इनहेल करने में कोई दिक्कत ना हो और हम स्वस्थ रहें। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ रहेंगे और आयुर्वेद के नियमों का पालन करेंगे और कोविड के नियमों का पालन करेंगे। जय आयुर्वेद। धन्यवाद।